पिछले 2-3 दिनों के दौरान तेज बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भरने के मामले सामने आ रहे हैं। कई जगह तो ऐसी थी जो कि 2 दिन की बारिश के बाद भी जल निकासी नहीं हो रही थी। इसी के चलते केंद्रीय विद्यालय में सोमवार को छुट्टी भी घोषित कर दी गई। निकासी व्यवस्था ठीक न होने और ज्यादा बारिश होने की वजह से हालात बने। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद, एडीएम अनिल डामोर, एसडीएम सतीश शर्मा, नगरपालिका अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। शहर के कुछ खास स्थानों को चिन्हित किया गया जहां जल भराव की ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। जो समस्या है उसका समाधान वो आगे वहाँ तो भाई फोन कर रहे हैं, सुनाई नहीं, कोई बात नहीं। केंद्रीय विद्यालय जो है पीएम स्कूल है, इसमें जो पानी भरा रहा है इसके लिए बरसात में क्या इंतजाम करने की प्रयास किया गया? डीएम साहब आए थे। देखिए, बरसात तो वैसे अनफोर्सीन था कि भाई ऐसा है कि इतना जल भराव इधर होता है। विदिशा, एंटायर विदिशा इज अ लो लाइंग एरिया, बहुत ही लो लाइंग एरिया है, और क्योंकि हमारी बिल्डिंग बहुत पहले की बनी है तो झुकाव हमारी बिल्डिंग की तरफ, पानी का धार जो है वो ढाल हमारी तरफ है, तो ज़्यादातर पानी इधर आ जाता है। तो अभी डीएम साहब से बात हुई है और अभी फिलहाल जो है हमारे स्कूल की तरफ से भी इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। हम एक अल्टरनेटिव पाथवे के लिए ऑलरेडी सीपीडब्ल्यूडी से एस्टिमेट्स कॉल कर चुके हैं, तो मे बी बाई नेक्स्ट ईयर और सो शायद हमारे पास यहाँ पर एक अल्टरनेटिव पाथवे बच्चों की एंट्री के लिए आई ही जाना है। और फिलहाल अभी रिसेंट हमारे बरसात के लिए डीएम सर से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने यहाँ गर्ल्स कॉलेज की तरफ से अल्टरनेटिव व्यवस्था करने का सोचा है, जहाँ की हम पीछे हमारे स्टाफ क्वार्टर रेजिडेंस साइट से पैसेज बना रहे हैं ताकि हमारे बच्चे अंदर जा सकें। और फिलहाल मेन गेट की तरफ हम फिलिंग करा रहे हैं, जिससे कि हम लगभग 3 फुट का रास्ता बच्चों को मतलब जो है मोल्डर्स वगैरह। मैडम ये तो अस्थायी व्यवस्था हो गई, स्थायी व्यवस्था के लिए अपन क्या प्रयास करें? व्यवस्था के लिए लेटर्स ऑलरेडी हेडक्वार्टर्स भी जा चुके हैं सीपीडब्ल्यूडी से भी, लेकिन उसमें लगभग 1 साल का समय चाहिए। चलिए ठीक है। क्षेत्रों में आपने दौरा किया जब बरसात का पानी भरा गया, तो क्या डिसीजन लिया गया सर, किस तरीके से अपन पानी की निकासी के लिए प्रयास कर रहे हैं? विदिशा शहर में जहाँ कहीं भी जल भराव की प्रारंभिक रूप से शिकायतें प्राप्त हुई है, अभी तेज बारिश होना शुरू हुई है, इसे दृष्टिगत रखते हुए आज के पूरे साथी अधिकारी है नगर पालिका के, हम सब लोग मिलकर के उसको देख रहे हैं और यथासंभव कहीं भी वाटर लॉगिंग न हो पानी सर। अभी केंद्रीय विद्यालय में जो पानी भरा हुआ है उसके लिए सर अपन ने क्या विकल्प निकाला सर? एक वैकल्पिक मार्ग अभी बच्चों के लिए हम वहाँ से तैयार कर रहे हैं, और जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर भी कुछ सिविल वर्क कराएंगे ताकि वो जो उनका स्थायी रास्ता है। निकल अपनी मोबाइल शहर में स्थिति आपको काट दो काट दो। सफाई के भी मैंने निर्देश दिए हैं, जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा कचरे की वजह से पानी रुक रहा है, ठहर रहा है, वहाँ पर भी काम लगा देना है, जहाँ इंक्रोचमेंट है इंक्रोचमेंट भी हटाया जाएगा। गाँव शहर के नागरिक है वो किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसकी वजह से कार्रवाई।